नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति से, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का एक पार्ट है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर क्या करता है? नंबर सिस्टम को समझता है। तो जैसे दोस्तों हमने यहां कर दिया डेसिमल नंबर, एक शब्द होगा डेसिमल नंबर, और इसकी जो बेस होगी वो बेस कितनी होगी? 10 बेस होगी, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। तो अब इसको मैं लिख भी देता हूं, वो 10 क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर, ये 10 हो गए। अब देखेंगे जरा, फिर यहां पर बाइनरी नंबर में क्या होगा कि इसका जो बेस होता है वो होता है 2। इसका बेस कितना होता है? 2। वो क्या होता है? देखिए, जैसे हमने यहां पर कर दिया कि 0 और 1, जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो 0 और 1 को ही समझता है, और फिर एक ऑक्टल, तो उसको ऑक्टल का जो बेस होगा, जो हमारा बेस ऑक्टल का है वो होता है 8। ये कौन कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 7 तक जाएगा, टोटल 8 हो गया। अब यहां पर एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या करता है दोस्तों? इसका जो बेस होता है वो होता है हेक्सा का 16 या 16। ये 16 तक कैसे जाता है मैं यहां लिख देता हूं हेक्सा का, कि हेक्सा में होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक चलेंगे, क्योंकि 0 मिला के क्या हो जाएगा? 16। अब यहां से थोड़ा समझने वाली बात होती है कि जो A होता है वो एक 10 को रिप्रेजेंट करता है, A बराबर 10, और दोस्तों B बराबर यहां पर 11, और C बराबर 12, और यहां पर D, फिर यहां पर कितना? E, और लास्ट में कितना हो जाता है? F। तो A B C D E F, ये हमारा हेक्साडेसिमल क्या कोडिंग हो गया। तो दोस्तों डेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, तो हम आपको एक ऐसा कन्वर्जन बताने चल रहे हैं कि आपको चाहे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, या बाइनरी डेसिमल से ऑक्टा में, या हेक्सा को इसमें, या आपको ऑक्टा टू बाइनरी, या बाइनरी टू डेसिमल, या डेसिमल टू ऑक्टा, कुल मिलाकर के इनमें से कोई भी एक दूसरे से अगर आपका कन्वर्जन पूछा जाता है तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला हम बताने चल रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, या डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, या तीसरा है डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। तो मैं तीनों को एक साथ चलेंगे कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा। तो देखिए ध्यान से, मेथड नंबर 1 क्या है कि दोस्तों यहां पर 10 है, हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जो यहां पर 2 होता है यही कन्वर्ट करना होता है। तो करते क्या है कि जो ये अंक हमें डेसिमल का दिया जाता है, जैसे यहां पर दिया गया है, मेथड नंबर 1 देख लेते हैं, यहां पर 117 दिया गया है। तो दोस्तों इसको करते क्या है कि जो पूछा जाता है यहां पर क्या है, बाइनरी में करना है, तो बाइनरी की बेस होती है 2, तो हम इसको किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। अगर हमें डेसिमल से पूछा जाता तो दोस्तों 117 अगर डेसिमल टू कन्वर्ट करना होता हमें किसमें? ऑक्टल में, तो कितने भाग देते? 8 से भाग देते। यदि हमें 117 और डेसिमल को कन्वर्ट करना होता हेक्सा में तो किससे भाग देते? 16 से भाग देते। तो दोस्तों एक बार में ये तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, देख लीजिए। तो अब यहां पर मेथड नंबर 1 हम आपको समझाने चल रहे हैं, मेथड नंबर 2 मैंने वहां लिख दिया है। देखिए, पहला, अगर 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देंगे, और जो शेष बचता है उसको आगे लिखते हैं, लीजिए भाग। तो यहां पर देखिए 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब यहां 1 बचा तो दुर्वर्ट कितना हो गया? 16, और यहां पर कितना बचा? 1 कैरी बची, जो शेष बचता है उसको आगे लिख देते हैं। अब दोस्तों यहां पर फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 2 = 4, और यहां पर देखेंगे 2 × 18 कैरी कितनी बची? 0 बची। अब यहां से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहां पर फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 से कट, 2 × 1 = 2, और यहां पर 2 × 4 = 8, कितना बचा? 1 बचा। अब यहां पर फिर 2 से देखेंगे,
दो सत्ते 14 कितना बचा, 0 बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 कितना बचा, 1 बचा, जो बचता उसके आगे लिख देते हैं, फिर 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2 कितना बचा, 1 बचा। तो दोस्तों इसी को हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं, क्लियर। ये अंक छोड़ते नहीं है, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, जो यहां पर लिखा जाता है इसको भी लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहां से लिखेंगे 1 1 और 1 1 1 1 0 1 0 1, यही हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो दोस्तों ये जो वैल्यू थी इसको हम ये लिख सकते हैं, यहां से ये कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 1 1 1 0 1 0 1, यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि बाइनरी किसको समझता है, 0 और 1 को। अब दोस्तों इसी मेथड को हम इससे समझ लेते हैं मेथड नंबर 2 से, कि सही है या गलत है। तो दोस्तों इसको मिटना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको इस मेथड से समझा देता हूं कि मेथड नंबर 2 से कैसे समझेंगे। तो देखिए, जो यहां पर हमने क्या लिया है, 0 लिया, 2 लिया है, तो 2 के पावर 0 रखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, तो यहां पर एक सीरीज जनरेट हो जाती है 1 2 4 8 16 32 64 and so on, ये सिलसिला इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब दोस्तों यहां पर हमें कितना दिया है, 117 दिया गया है। अब 117 को हमें यहां पर ऐसा देखना है कि 117 हो जाए, तो 117 करने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमें 64 भी लेना होगा, जो लेते हैं उसके जगह 1, जो नहीं लेते हैं उसके जगह 0। तो 64 भी लेना होगा, 32 भी लेना होगा, 16 भी लेना होगा, 16 32 64 32 16, और फिर हमें यहां पर ये नहीं लेना होगा, फिर ये हमें लेना होगा, फिर ये हमें नहीं लेना होगा, फिर ये हमें लेना होगा। अब जहां जहां हमने 1 लिखा वो ऑन, जहां पर नहीं लिखा 0 है वो ऑफ। तो जोड़ लेते हैं कि 64, फिर 32, फिर यहां पे 16, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 1, देखते हैं कितना, क्या हमारा 117 होता है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 15, 16 और 1 17 के साथ हासिल है 1। तो 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये हमने डायरेक्टली यहां पे लिख करके सीधे बाइनरी में चेंज कर दिया, जिस अंक को लेते हैं उसके लिए 1, जिसको नहीं लेते हैं उसके लिए 0। तो दोस्तों चेक कर देते हैं क्या ये इस मेथड से आया था, तो इस मेथड से क्या है, आया था, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरा। अब दोस्तों देखिए, अभी हमने क्या किया कि इसको हमने बाइनरी में चेंज किया, अब इसी को हम ऑक्टा में चेंज करते हैं। तो ऑक्टा में यहां देखें कितनी है बेस, मेथड नंबर 1 से देखते हैं 8 है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, यहां पर 8 हो गया, 8 9 10 11, यहां पर 3 तो ये 35 हो गया, 8 3 24, 8 5 40, 8 3 24, और यहां पर कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 9 10 11, यहां पर 3 बचेगा, 37, तो 8 4 32, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 4 32, 32, और यहां पर कितना बचा, 5 बचा कैरी। अब यहां पर फिर 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, और 8 6 14, तो यहां पर कितना बचा, 6 बचा। अब तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसी चीज को जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 165, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 165, यहां पे कितना, 8 हो गया। अब हम यदि बाइनरी सिस्टम से निकालना चाहें कि ये वैल्यू सही है या गलत, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर कितना है, 5 है ना, या इसका बाइनरी हमने पहले से ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसका बाइनरी जरा देख लेते हैं कितना है इसका बाइनरी। तो दोस्तों इसकी बाइनरी हमने निकाली है 1 1 1, और यहां पर कितना था, 0 1 0 1, ये हमने बाइनरी निकाल रखी है। अब जब ऑक्टल में चलते हैं तो राइट साइड से हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो राइट राइट का 3 3 का पेयर, ये किसका है, 117 का बाइनरी है। तो अगर इस मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले बाइनरी में चेंज कर लीजिए, डेसिमल को पहले बाइनरी में चेंज कर लीजिए, बड़े आसानी से हो जाती है। अब इसके बाद पीछे से 3 3 के क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे।
तो पीछे से तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, इधर नहीं है तो इसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए, वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। संख्या के आगे कितनी भी जीरो लगा दे, वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दोस्तों ये बताओ क्या है, एक ये चार और एक पांच, तो ये क्या हो गया पांच। यहां पर देखेंगे अगर कि अगर ये चीज यहां पर दी गई है कि पहले के लिए हो गया, अब दूसरे में यहां मत देखिए, ये चार पांच हो गया, अब अगर दूसरे में देखते तो ये क्या हो जाएगा। यहां तक पूरा नहीं देखना है, बस इसी चीज को हमें चेक करना है कि ये क्या है, पांच हो गया, और अगर ये कर देंगे तो इन दो पे क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, और लास्ट में यदि वन बचता है, क्योंकि हमें तीन ही अंक देखने हैं, कितने अंक देखने हैं, केवल तीन तीन अंक देखने हैं, तो तीन तीन अंक पे देखेंगे तो पहले वाले में यहां वन था, यहां चार था, कितना हो गया पांच। अब दूसरे वाले में इसको देखेंगे तो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे यहां पे वन है, और दूसरे नंबर पे सॉरी पहले नंबर पे यहां पे जीरो है, पहले नंबर पे यहां जीरो है, दूसरे नंबर पे यहां वन है, तीसरे नंबर पे यहां ये है, तो चार तो कितना हो गया छह। अब यहां पर आ जाओ तो ये क्या लिखेंगे, फोर टू वन, क्योंकि तीन तीन के पेयर लेते हैं, ये पूरे मत चेक करिएगा, सिर्फ लास्ट के तीन डिजिट में। अब यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा वन, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं हेक्सा वाला। देखिए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्सा में क्या है कि अगर इसी अंक को हम ले लें तो यहां पर अभी हमने क्या बताया था, वन वन सेवन है, अगर जो यहां पर क्या होती है बेस होती है उतने से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करिए पहले मेथड में, तो 16 से अगर हम भाग देंगे तो 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112, और 112 यहां पर कितना बचा, 12 13 14 15 16 17, शेष कितना बचा पांच बचा। अब तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 75, यही हमारा इसमें चेंज हो गया, हेक्सा में चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी जो वैल्यू चेंज हो गई वो 75 और इसमें चेंज हो गई, क्लियर। अब इसी चीज को अगर हम बाइनरी में देखना चाहें कि बाइनरी से क्या है, तो दोस्तों बाइनरी से देखने के लिए अभी आपने देखा था कि यहां पर जो बाइनरी इसका हमने ऊपर निकाल रखा है, ये बाइनरी क्या था, 1 1 1 0 1 0 1, ये बाइनरी हमने निकाल रखा था। अब इसमें क्या करते हैं कि दोस्तों इसमें चार चार के पेयर बनाते हैं राइट साइड से, डैश ऑक्टा में तीन तीन के पेयर बनाते हैं और हेक्सा में चार चार के पेयर बनाते हैं, तो चार का पेयर राइट साइड से बनाएंगे तो ये चार हो जाएगा, और इधर से चलेंगे तो ये चार इसके आगे जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके ये चार पद लेंगे, स्टार्टिंग के ये चार पद हम लेंगे, तो ये चार पद रख के देखिए, तो ये बताएं कि चार पद में क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है, जैसे यहीं पर लिख दे रहा हूं कि 8 4 2 1, तो ये बताइए ये लेंगे तो इसका पॉजिटिव है यानी कि 1, और इसका कौन है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो गया, क्लियर। अब इसमें आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 8 4 2 1, तो अब यहां पर देखिए ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो 4 2 6 और 1 7, देख लीजिए 75 आया था कि नहीं, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, क्लियर। अब देखिए कैसे करते हैं, तो इसके लिए अभी मैंने एक मेथड फिर आपको बताया था कि इसे 1 2 4 8 16 32 14 ऐसे चलते हैं। अब करते क्या है कि जैसे हमको डेसिमल में चेंज करना है तो इस वैल्यू को क्या करते हैं कि राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं जो बाइनरी हमको दी गई है। अभी हमने आपको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले डेसिमल टू बाइनरी कर लीजिए और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल ऑक्टल किसी भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जो लिखा है 1 0 1 0 1, तो हम कहां से लिखेंगे, पीछे से, क्या हो जाएगा 1 0 1 0, यहां पर क्या हो जाएगा 1, ये लिखा हुआ है, हमेशा राइट साइड से लिखेंगे, कहने का मतलब जो यहां से राइट में होगा वो इसके राइट में होगा, क्लियर। अब जरा यहां पर देखिए, अब ये हमने जो लिख दिया अब इसी का हम डेसिमल नंबर नोट कर दें, तो डेसिमल नंबर नोट करने का मतलब है कि 1 के नीचे की वैल्यू लेना है और जीरो वाली जीरो हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 16 लेना है, 8 नहीं लेना है, फिर यहां पर 4 लेना है, 2 नहीं लेना है, फिर यहां पर 1 लेना है, और दोस्तों इसी को जब हम काउंट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21, यही हमारा किसमें चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
21 यहां पर डेसिमल लगा दीजिए, तो 10101 का डेसिमल 21 होगा। क्लियर? अब दोस्तों यही हम ऑक्टा पे लगा के देखते हैं, तो ऑक्टा पे जब लगा के देखेंगे तो क्या करना है, फिर से वही जो हमें बाइनरी दी गई है उस बाइनरी को हमें राइट साइड से पूरा नोट कर देना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टा में राइट साइड से तीन तीन के पेयर बनाते हैं और उन जो पेयर बनता है उनका डेसिमल नंबर लिख देते हैं। तो पीछे से तीन का पेयर बनाइए, तो पीछे से हमने तीन का पेयर बनाया, तो अब देखिए तीन का पेयर मतलब सिर्फ इन तीन के साथ बनेगा, तीन का पेयर सिर्फ इन तीन के साथ बनेगा। तो अब इसमें जरा देखिए, अगर इसको हम इसमें सेट करें तो यहां पर क्या लेंगे, चार लेंगे और यहां पर क्या लेंगे, बन लेंगे, और चार और बन का डेसिमल देखेंगे, चार और कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर पीछे से चलेंगे तो ये आगे जीरो लगा दे, तीन का हो गया। अब ये तीन इस जगह देखना है, तो यहां पर अगर देखेंगे चार दो एक, तो यहां पर कितना हो गया, टू है ना, तो यहां पर इसका डेसिमल कितना हो गया, टू। तो दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो इसका जो डेसिमल हम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर सभी का? तो पीछे से चलना है बट तीन तीन के पेयर। अब हम चलते हैं आपका हेक्सा पे, तो हेक्सा में देख लीजिए कि हेक्सा में क्या करेंगे कि पहले बाइनरी में चेंज कर लीजिए, और अगर डेसिमल है बाइनरी में आसानी से चेंज हो जाएगी, और बाइनरी में अगर दी गई है तो उसे पहले हेक्सा में, और हेक्सा में करने के लिए क्या होता है, पीछे से या राइट साइड से चार चार के पेयर बनते हैं, कितने के, चार चार के पेयर। तो पीछे से चार के पेयर बना लो। अब चार पेयर मतलब क्या है, सिर्फ ये चार पेयर हर जगह रहेंगे, ये 16 नहीं रहेगा। अब यहां पर देखो ये चार का पेयर बन गया और इसके आगे 00 लगा दो। क्लियर? तो अब देखो यहां पर ये लेना नहीं है, ये लेना है और ये लेना है, तो चार और कितना हो गया, पांच हो गया। अब इस जगह पे यही चीज हम आ जाते हैं, तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आठ लेना नहीं है, चार लेना नहीं है, दो लेना नहीं है, वन लेना, तो ये कितना हो गया, वन हो गया। अब देखा जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं ना। अब 15 जैसे ही हमने लिख दिया तो देखिए दोस्तों जैसे हमें ये 15 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। अब 15 को जरा जरा बताओ क्या लिखते थे, 10 के जगह ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर क्या लिख देंगे, एफ। तो इसका देखा जाए तो 15 की जगह क्या लिखेंगे, एफ, और ये क्या हो गया, 16 हो गया। क्योंकि हमने स्टार्टिंग बताया है कि जो 15 है वो इंडिकेट किसको करता है, एफ को करता है। तो दोस्तों ये कन्वर्जन हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए दोस्तों अब हम इसको दो कन्वर्जन और उसमें बचे हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर ये हमें दिया गया है और उसको हमको हेक्सा बदलना है, तो सबसे पहले दोस्तों करते क्या है कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट अगर करना है तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है 3, फिर यहां पे 4, यहां पे 5, थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेते हैं। अब हर एक पद को 3 बिट बाइनरी नंबर में चेंज कर लेते हैं, किसमें, 3 बिट बाइनरी नंबर, 3 बिट बाइनरी नंबर में चेंज कर दो, 3 बिट बाइनरी। तो 5 को यदि बाइनरी बिट में हम चेंज करेंगे तो दोस्तों यहां देखिए कि 5 कब होगा, अगर तीन तीन में हमें तीन के पेयर में कन्वर्ट करना है तो तीन के बिट में कन्वर्ट करना है 3 बिट, तो यहां पर 1 और यहां 1, यहां 0, तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 101। बाइनरी में 5 को क्या लिखेंगे, 101। अब दोस्तों 4 को बाइनरी में हम क्या लिखेंगे, 4 को बाइनरी में लिखेंगे, यहां देखो 4 की जगह 1, यहां 0 और यहां पे कितना, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100। 4 को बाइनरी में ये लिखेंगे। अब यहां 3 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो 3 को दोस्तों अगर बाइनरी में लिखना पड़ा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 बिट में 0 1 और 1। क्लियर? तो ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 0। क्लियर? अब दोस्तों ये किस में चेंज हो गया, बाइनरी में चेंज हो गया, तो इसको जब कंबाइंड करके इसको लिखेंगे तो देखिए कंबाइंड में क्या होगा, 0 1 1, ये वाला पोर्शन 1 00, ये वाला 101। अब ये हमारा चेंज किसमें हो गया, बाइनरी में हो गया। तो दोस्तों पहले हमने जो इसको चेंज किया कि 3 4 5 को हमने चेंज किया बाइनरी में, अब हम किसमें कर लें इसी चीज को,
हेक्सा में चेंज कर लें। और हेक्सा के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि राइट साइड से चार चार के पेयर बनाते हैं, तो चार चार के पेयर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक एक पेयर बनेगा, फिर यहां से यहां तक एक पेयर बनेगा, और दोस्तों ये ऐसे ही छूट जाएगा क्योंकि जीरो कोई मतलब नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल नंबर में लिख देंगे। तो जो इसे लिखना है वो किसमें लिखना है, डेसिमल नंबर में। तो बताइए डेसिमल नंबर में क्या होगा, यहां से ले लीजिए चार चार के पेयर में इस रूल से, तो चार के अगर हमें पेयर बनाना है तो देखिए चार के पेयर बनाना है तो यहां पर क्या हो जा रहा है, जीरो, यहां पे वन, यहां पे जीरो, यहां पे वन, तो जहां वन होता वही काउंट करते हैं। तो दोस्तों चार वे कितना हो गया, पांच, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, पांच, इसका डेसिमल नंबर हो गया पांच। अब इसका डेसिमल नंबर लेंगे तो इसका डेसिमल नंबर चार में देखिए क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर चार में, यहां पे वन 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 और जीरो, क्लियर। तो यहां पर आठ, आठ चार बारह, बारह तेरह चौदह, तो यहां पर क्या लिखेंगे, चौदह। लेकिन चौदह दोस्तों हेक्साडेसिमल में किसको शो करता है, ई को शो करता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह ई लिख देंगे। तो दोस्तों इसका कन्वर्जन क्या हो गया, अब यही लिख देंगे, तो यहां पर ई फाइव, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। तो दोस्तों पहले जो ऑक्टा में दिया है इसको बाइनरी में कर लेंगे, और बाइनरी में क्या होता है, थ्री बिट बाइनरी नंबर में चेंज कर लेंगे डेसिमल को, और फिर जो आएगा उसको कंबाइंड करके लिख लेंगे। इनको देखिए हमने कंबाइंड करके लिख दिया, और फिर चार चार के राइट साइड से पेयर बनाए और चार का डेसिमल नंबर लिख दिया, तो ये हेक्सा में चेंज हो गया, क्लियर। अब दोस्तों एक लास्ट और है, हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखिए एक दोस्तों और देख लेते हैं यहां पे कि हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन अगर कह दे, ए ई फाइव को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ए ई फाइव हमने यहां लिखा, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फोर बिट बाइनरी में, अब इसको चेंज करना है फोर बिट बाइनरी में। तो दोस्तों फोर बिट बाइनरी में अगर पांच को कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमें ये फोर बिट में ये चार बिट लेने हैं स्टार्टिंग के, तो पांच बनाना है, तो दोस्तों यहां जीरो वन जीरो वन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन, फोर बिट में चेंज हो गया। अब इस पांच को बनाना है तो यही फोर बिट में रहेगा। अब पांच हम ई जानते हैं, ई क्या होता है, चौदह होता है, तो चौदह अगर हम लिखेंगे तो आठ आठ चार बारह, बारह तेरह चौदह, यानी कि वन वन वन, ई का मतलब क्या होता है, चौदह होता है, फोर्टीन होता है, तो चौदह के आठ, आठ दो दस, दस चार चौदह, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी जो फोर बिट बाइनरी बनेगी वन 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 जीरो, क्लियर, ये इसकी फोर बिट बाइनरी। अब ए का कितना होता है, दस होता है, तो दस की फोर बिट बाइनरी इस नियम से बनाएंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वन जीरो वन जीरो, आठ दो दस, तो यहां क्या हो जाएगा, वन जीरो वन जीरो। अब फोर बिट में चेंज हो गया, अब इसे हम कंबाइंड कर देते हैं, तो कंबाइंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन। अब ये हमारा किसमें चेंज हो गया, अब ये हमारा चेंज किसमें हो गया, बाइनरी में हो गया, अब ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। अब ये भी आप सीख लीजिए कि हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब बाइनरी को ऑक्टा में चेंज करना है, तो ऑक्टा में चेंज कैसे करते हैं, थ्री बिट का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पीछे से राइट साइड में तीन तीन का पेयर बना लीजिए, तो तीन तीन का हमने पेयर बना लिया, तीन तीन का पेयर बना लिया, तीन तीन का पेयर बना लिया। अब इसे क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में नोट कर देते हैं, तो इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। अब देखिए तीन पेयर की बात हो रही है, तो यहां से हम क्या लेंगे, सिर्फ तीन पेयर लेंगे, तो तीन पेयर को उठा उठा के रखिए, तो दोस्तों यहां पर क्या है, वन जीरो वन, यानी कि चार और एक कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे वन जीरो जीरो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो, तो इसका आंसर कितना हो गया, चार हो गया। फिर यहां पर देखेंगे कितना है, जीरो वन वन, तो जीरो वन वन, तो दो रे कितना हो गया, तीन हो गया। और फिर यहां पर देखेंगे वन जीरो वन, तो वन जीरो वन, तो चार रे कितना हो गया, पांच हो गया। यही दोस्तों हमारा किसमें चेंज हो गया, एट, ऑक्टल में चेंज हो गया। तो इसी चीज को हम यहां पर क्या मेंशन कर सकते हैं, फाइव थ्री फोर फाइव और एट, क्लियर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब दोस्तों यदि और कन्वर्जन आपको हमसे पूछना है, जैसे एक दशमलव में होता है, उसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, आप अगर उसको करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए
कि जब भी अगर कोई चीज ऐसे दे दिया जाए 10101.101 समथिंग, अब ये हमारी क्या है, बाइनरी है, और इसको चेंज करना है हमें ऑक्टल डेसिमल हेक्सा किसी में भी अगर चेंज करना है तो दोस्तों करते क्या है कि जो ये लेते हैं इधर से इधर की तरफ राइट चलते हैं और इधर से इधर की तरफ लेफ्ट चलते हैं, तो यहां पर क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं, 2 के पावर 0 जब इधर की तरफ चलते हैं तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 समथिंग चलते हैं, और जब पॉइंट के इधर चलना होता है तो हमेशा 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 इस तरीके से चल करके आपस में इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही मान हमारा दशमलव का इसमें दशमलव में आ जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अगर ये चीज नहीं आती है तो आप उसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये आप एक आपको काम करना है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, और अपने मित्रों को शेयर करिए, तभी आपके मित्र भी इसका फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों